सो हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरी एक नई वीडियो में। तो मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ, अभी नई मतलब वीडियो देखी है उस पर रिएक्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है, और देख नहीं देख रहा हूँ सॉरी, कुछ और ही कर रहा हूँ उसे। ओरिजिनल लॉसेस 1990 and 2000 के बीच में जो गाने, 1990 and 2000 के बीच में जो गाने थे उनके रिमिक्स सॉन्ग, या फिर शायद तक वही वाले सॉन्ग, या फिर जो सॉन्ग उनको उठा के रिमिक्स बना दिया बॉलीवुड ने, वो सॉन्ग कुछ भी हो सकता है, शायद तक वो गाने हैं, उनको देखने जा रहा हूँ मैं वीडियो देखने तक। कुछ है लंबी इस तरह छोटी वीडियो, आई होप आपको पसंद आए, क्योंकि गाने की वीडियो में फील ही अलग होती है, उनको सुनते रहो पुराने गानों को, पर जब उनको रिमिक्स कर देते हैं, जब चूतिया पर पेल देते हैं, सेम सीधी हूँ मैं, क्यों सीधी मुँह सीधी बात करता हूँ, शायद क्या करूँ मैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, सॉरी बकवास के लिए भी फालतू जो तो बिना के तरीके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हैं गाने। इसका चल तो रहा है ऐसा 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 करने वाला भी यूनिवर्सल सबसे तेज हो साड़ी और बिकनी का डिफरेंस ये वाला अच्छा है, ये गाना तो आइकॉनिक है, रिमिक्स भी अच्छा है इसका वैसे तो। कुछ पुराने गाने तो मान लो रिमिक्स में, पुराने गानों को उठा के बहुत रिमिक्स बनाए हैं, क्योंकि पता ये गाना तो बहुत ही मस्त है, इसके चक्कर में क्योंकि मुझे ये गाने सुना है, मैंने वो सुना नहीं, अब सुना जो कि मैंने ये गाना साथ इसके चक्कर में आ दे मुझे सीधी से। मेरा दिल ले गया जाते जाते, नहीं मेरा नहीं ले गया, ये गाना तो मस्त सुने थे ऑडियो में, ये तो सारे ट्रेंड में चल रहा था बीच में कहीं भी, चल रील्स में चला था, हाँ ये चला था, निशाना चूक ना जाए जरा, ये उसके इस टाइम का शायद तक वो था जुबिन नौटियाल जो रिमिक्स करता है, कह दो तुम्हें क्या चुप रहूं, वाह ये भी गाना है, ओ भाई रिमिक्स तो और अच्छा से किस
पर वीडियो खत्म होती है, पर कुछ भी को पुराने उस टाइम के दौर के रिमिक्स गाने भी अच्छे थे, अच्छे खासे का वो। मैंने ज्यादातर रिमिक्स सुने उस टाइम के ऑडियो में, गलत मत ले लेना मुझे, उस टाइम बच्चा था, ऑडियो में चलते थे सुन लिया करते थे। लेकिन जो अब के रिमिक्स बन रहे हैं और वो हो रहे हैं, उन पर बीट ऐसी पूरी दी जा रही है, मतलब वो थोड़ी देर के लिए चलते हैं, उसके बाद नहीं, उनका गाना फिर बाद में चलता नहीं है। उस टाइम वो सिर्फ शायद तक यही है 2 महीने की। हनी सिंह ने भी कहा है कि आजकल गाने से 1 या 2 वीक ट्रेंड में रहते हैं, उसके बाद हट जाते हैं, सेम मुख्य वाले में। लेकिन पहले वालों को रिमिक्स गाना भी था, वो भी शायद तक ट्रेंड में अच्छा चल रहा था। अभी तक देखो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो गाने, आप बताएं, आपको मेरी बात में कुछ दम हो तो उस चीज़ को साबित करके बताएं कि आपको भी अच्छे लगे कि रिमिक्स गाने पहले उस टाइम के ना, उस दौर के, इस दौर के तो अच्छे हैं नहीं, मुझे लगते नहीं ज़्यादा, कुछ होते हैं जो हैं। जैसे कि मैं नहीं बता रहा, फाल्गुन पाठक का आपने गाना सुना है, उसका किसने बनाया था, वो नाम क्या है जो छोटी सी रुचि रहती है यार, टोनी कक्कर की बहन ने, नाम याद नहीं आएगा ऐसे में, वो गाने का रेड मारी थी। ऐसे ही अब हो रहे हैं, पूरा उस टाइम नहीं होते थे कि गाने सुन चुका हूँ मैं, सुन भी रहा हूँ अभी, अच्छे लगते हैं। अरे सॉरी गाइस, क्या करूँ, कुछ उल्टा सीधा निकल रहा हूँ, जिनके जो मन में आ रहा है बोलता जा रहा हूँ बिना सोचे समझे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपने इंजॉय किया होगा जितना मैंने करा है। और आपको इनमें से जो भी फेवरेट गाने हैं उनको कमेंट में पिन करें और बताएं कि पिन क्या लिख देना, कौन से गाने हैं आपके फेवरेट रिमिक्स, जो कि मुझे पता चले कि आपको क्या पसंद है, और मेरी पसंद अलग अलग है या एक जैसी है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, ऐसे ही आपके गान सॉन्ग की तैसी आती रहेंगी अच्छी खासी, और ऐसे ही हंसाता रहूँगा, कॉमेडी वीडियो आएंगी उस पर भी, अपनी तरफ से कुछ करता मसाले मिक्स करता रहूँगा जो करना है का हो सकता है मुझसे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, और कुछ ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ करना, एंड आई होप आप सब ठीक हो, ये वीडियो खत्म करता हूँ, एंड थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।